नमस्कार बच्चों, मैं नेहा सेन भारतीय परिवार में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ और एक बार फिर आपको ले चलती हूँ कक्षा 11 की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 के काव्य खंड की ओर, जिस काव्य खंड का हम पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवी कविता हम पढ़ चुके हैं। आज है कविता नंबर 6 अर्थात कवि त्रिलोचन की रचना चंपा काले अक्षर नहीं चिंती। ठीक है, तो आज हम जो रचना पढ़ने जा रहे हैं ये रचना प्रगतिवादी कवि त्रिलोचन द्वारा रचित है। अब त्रिलोचन जी जो प्रगतिवादी कवि है, पहले प्रगतिवाद के बारे में जान लेते हैं। प्रगतिवाद क्या है? आपको पता है हमारा जो हिंदी साहित्य है वो हिंदी साहित्य को 4 भागों में विभाजित किया गया है, आदिकाल, भक्तिकाल, वृत्तिकाल और आधुनिक काल। जो हमारा आधुनिक काल है उसे भी विभिन्न भागों में बांटा गया है, जैसे भारतीय युग है, द्विवेदी युग है, छायावाद है, प्रगतिवाद है, फिर प्रयोगवाद है, फिर नई कविता है, साठोत्तरी कविता है। तो उन आधुनिक युग में जो छायावाद के बाद हमारा काल आता है प्रगतिवाद और प्रयोगवाद युग, वो प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के युग से संबंधित ही हमारे कवि त्रिलोचन है। अब त्रिलोचन जी जो है वो प्रयोगवाद से संबंधित ये रचना उन्होंने लिखी है। अब प्रयोगवाद से संबंधित रचना इसे हम कैसे मानेंगे? प्रयोगवाद के अंदर जो काव्य की रीतियां हैं, काव्य के नियम है, या जो काव्य शुरू से लिखते हुए आ रहे हैं, उन रचना उन काव्य के विषयों से हटकर के अलग विषयों पर रचनाएं लिखी जाती थी। जैसे हमारा जो प्रयोगवाद है उन्हें जो टेम्परेरी जो विषय चल रहे थे उन विषयों को छोड़ करके समाज से टॉपिक उठाया, यानी समसामयिक समस्याओं को अपने रचनाओं का विषय बनाया। जैसे शोषित वर्ग का, मजदूर वर्ग का, निम्न वर्ग के लोगों का उन्होंने वर्णन अपने काव्य में किया है। साधारण सी बालिका को अपना विषय उन्होंने अपनी रचना, जो कि हम पढ़ने जाएंगे, हम जिस पर आज चर्चा करेंगे, चंपा काले काले अक्षर नहीं चिंती है, इसमें एक जो चंपा नाम की जो लड़की है ये साधारण सी निम्न वर्ग की ग्वालन है, यानी ग्वाल की बेटी है जो गाय भैंस चराने का कार्य करती है, अपने पिता की सहायता करती है। तो इस प्रकार जो कवि है हमारे, जो प्रयोगवाद है हमारा, उसमें साधारण विषयों को भी अपनी रचना का विषय बनाया जाता था। साधारण सी बात को लेकर के वो अपनी बातों को विशेष महत्व देते थे। जैसे साधारण सी लड़की को उन्होंने अपनी कविता की नायिका बनाया और उस नायिका का उन्होंने मार्मिक चित्रण अपनी कविता के अंदर किया है। तो कविता को पढ़ने से पहले हम अपनी जो त्रिलोचन की रचना है उसको पढ़ने से पहले हम पहले कवि के बारे में चर्चा कर लेते हैं, त्रिलोचन जी के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो त्रिलोचन जी का जीवन परिचय। त्रिलोचन शास्त्री का पूरा नाम वासुदेव सिंह था। इनका जन्म 20 अगस्त 1917 ईस्वी को जनपद सुल्तानपुर की चिरानी पट्टी कटघरा पट्टी में सामान्य मध्य वर्गीय किसान परिवार में हुआ था। ये भी एक मध्यम वर्गीय परिवार के ही पुत्र थे। शैक्षिक योग्यता बीए अंग्रेजी साहित्य में एमए पूर्वार्ध तक रही है, पर अपने अध्ययन से इन्होंने अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, पाली और प्राकृत और हिंदी साहित्य का गहन अध्ययन किया था। इन्होंने वर्ष 1951 और 53 में ग्रेट गणेश राय इंटर कॉलेज डोभी में अध्यापन कार्य भी किया। आज जनवार्ता, समाज, प्रदीप और कहानी आदि पत्रिकाओं के संपादन कार्य में भी इन्होंने सहयोग दिया। एडिटिंग का काम इन्होंने किया था। 1970 से 1972 में विदेशी छात्रों को इन्होंने हिंदी, उर्दू और संस्कृत की शिक्षा भी प्रदान की थी, उन्हें पढ़ाया था। कुछ वर्षों तक दिल्ली विश्वविद्यालय में द्विभाषिक कोश जो कि उर्दू और हिंदी में था, परियोजना में भी इन्होंने कार्य किया। मुक्ति बोध सृजन पीठ के अध्यक्ष के रूप में सागर विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में कार्यरत रहे। ताप के ताए हुए दिन प्रमुख रचना है इनकी, इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। उन्हें मैत्रीचरण गुप्त पुरस्कार भी प्राप्त हुआ और 9 दिसंबर 2007 को इनका देह अवसान मध्य प्रदेश में हो गया। ठीक है, इनकी रचनाओं के बारे में जानते हैं। इनकी रचनाओं में काव्य संग्रहों में धरती, गुलाब और बुलबुल, द्विगंध, ताप के ताए हुए दिन, शब्द, उस जनपद का कवि हूँ, अर्धांत तुम्हें सौंपता हूँ, फूल नाम है एक, सबका अपना आपको आकाश और अमोला चर्चित और प्रसिद्ध है। रोज नामचा नाम से ध्यान देने वाली बात है, रोज नामचा नाम से इनकी डायरी भी प्रकाशित हो चुकी है। फिर त्रिलोचन आम आदमी, अब इन्होंने जो अपनी रचनाओं में विषय लिया वो क्या लिया? आम आदमी, किसान और कामगार के, मजदूर और मध्यम वर्ग के समाज के सच्चे और विश्वसनीय चित्रकार हैं। यानी इन्होंने जब अपनी रचनाओं में विषय लिया, यानी अपनी रचनाओं का विषय इन्होंने क्या बनाया?
विषय बनाया। कविता की काल्पनिकता के रोमानी आकाश से धरती पर उतारकर सबकी सुख दुख यानी छायावाद में जहां प्रकृति के चित्रण को महत्व दिया जाता था, वहीं इन्होंने अब क्या किया, सबकी सुख दुख, सबकी पीड़ा और सबकी करुणा से व्यापक जन संसार को उन्होंने जोड़ा। मध्यम वर्ग के परिवार में जो समस्याएं होती, जो कठिनाइयां होती, कैसे वो अपना जीवन यापन करते हैं, ऐसे बिंदुओं को उन्होंने अपना विषय बनाया। उनकी कविता में सहजता है, शालीनता है, गंभीरता और रवानी है, सपाट बयान से एक संपूर्ण दृश्य चित्र सृजित करते हैं। अब उनकी जो भाषा है वो भाषा कैसी है देखिए। त्रिलोचन ने जो भाषा का प्रयोग किया है वो देशज ठेठपन उनकी भाषा की शक्ति है। क्योंकि त्रिलोचन एक समग्र चेतना की कवि है, इसलिए उनकी भाषा में भी यह समग्रता दिखाई देती है। उनकी रैन बसेरा कविता की बुनावट में भाषा और संवेदनीयता के कई स्तर दिखाई देते हैं। सहज भाषा को बोलचाल की भाषा को काव्यात्मक गरिमा देते हैं। कवि त्रिलोचन का अनुभव संसार बड़ा है और शब्द चयन भी उन्होंने बड़े और व्यापक क्षेत्रों से किया है। संस्कृत निष्ठ शब्दों को प्रयोग से वे अपने स्वाध्याय वृत्ति को प्रमाणित करते हैं। अब संस्कृत निष्ठ शब्द अर्थात तत्सम शब्दों से उन्होंने अपनी रचनाओं को प्रमुख बनाया है, विशिष्ट बनाया है। अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों को वे सहजता से व्यवहृत कर देते हैं। जीवन के विविध क्षेत्रों से शब्द चयन उन्होंने किया है। वे खुद लिखते हैं कि लड़ता हुआ समाज नई आशा अभिलाषा नए चित्र के साथ नई देता हूँ भाषा, यानी अपने रचनाओं के अंदर अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग करते थे, संस्कृत शब्दों का भी प्रयोग करते थे और उर्दू शब्दों का भी प्रयोग करते थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, पाली, उर्दू सभी भाषाओं में मुख्य ज्ञान विशेष अध्ययन इन्होंने किया था। उन्होंने तद्भव शब्दों का अर्थ गर्भ प्रयोग किया है। आरर डाल बेचा कीना मदर गया, ये सब वे शब्द हैं जो उन्होंने अपनी रचनाओं के अंदर किए हैं। जैसे जेवरी बुनना, अब जेवरी क्या होती है, जेवरी होती है रस्सी, रस्सी जो सूत होती है, सूतरी आपने देखी होगी, वो सूतरी क्या होती है, जेवरी से बोला जाता है। तो जेवरी बुनना, उड़न छू, बदर गिरे, बालीपुर होना जैसी लोकोक्ति के साथ साथ ही इन्होंने शेक हैंड, मास्टर, ब्यूटी, क्वीन जैसे अंग्रेजी शब्दों को भी अपने काव्य के अंदर पिलोते गए हैं। अवधि की सर्जनात्मक क्षमता को पाले निश्चित खड़ी बोली हिंदी में उतारने की अद्भुत क्षमता के कवि हैं त्रिलोचन। हिंदी की जातीय अस्मिता के लिए त्रिलोचन तुलसी की सहजता और गालिब की सरसता को एक साथ साधते हैं, यानी इन्होंने तुलसी की संस्कृत निष्ठ अवधि जैसी भाषा का भी इन्होंने प्रयोग अपने काव्य के अंतर्गत किया है और इन्होंने गालिब की उर्दू भाषा का प्रयोग अपने काव्य के अंदर किया है। काव्य को सरल और सहज बनाने का इन्होंने हर प्रयोग अपनाया है। तो ये तो था हमारा काव्य जो कवि त्रिलोचन है उनके बारे में उनसे संबंधित चर्चा। अब हम चर्चा करते हैं हमारी कविता के बारे में, हमारी रचना के बारे में। चंपा काले अक्षर नहीं चिन्हती है। अब हमारे काव्य की जो नायिका है वो कौन है, चंपा। चंपा एक साधारण सी लड़की है जो कि एक ग्वालर है, कृषक वर्ग से संबंधित है, यानी गांव में जो कवि त्रिलोचन रहता है उसके पास में एक लड़की आती है, ज्यादा बड़ी नहीं है, छोटी लड़की है। वो छोटी लड़की जब उसके पास आती है, किसके पास, कवि त्रिलोचन जी के पास आती है, तो वो लड़की जो त्रिलोचन है वो हमेशा पठन संबंधित कार्य करते रहते हैं, कभी लेखन संबंधित कार्य करते हैं। तो उस कार्य को देखते हुए जो लड़की है चंपा, वो काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, यानी वो काले अक्षर यानी अक्षर चिन्हती यानी नहीं पहचानती है, उसे अक्षरों की कोई पहचान नहीं है, उसे अक्षरों का कोई ज्ञान नहीं है, उसे इसमें इंटरेस्ट भी नहीं है, उसे रुचि भी नहीं है काले काले अक्षरों में। तो चंपा उन काले काले अक्षरों को नहीं पहचानती है। अब जो कवि है हमारा, वो कवि उसे प्रेरित करता है पढ़ने के लिए। महात्मा गांधी जैसे महान व्यक्ति का वो उदाहरण देता है कि उन्होंने कहा है कि हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, हर व्यक्ति को साक्षर होना चाहिए। लेकिन जो बालिका चंपा है वो उस तर्क का भी खंडन कर देती है और कहती कि नहीं, वो तो बहुत अच्छे इंसान है, वो पढ़ने के लिए आखिर कैसे बोल सकते हैं। तो चंपा जो अपने तर्क देती है, उन तर्कों के आगे कवि के सारे तर्क फीके पड़ जाते हैं। वो कवि के द्वारा दिए गए पढ़ने से संबंधित जितने भी तर्क है सबका खंडन करती जाती है और अपने तर्क को वो महत्व देती है। तो क्या महत्व देती है, कैसे वो तर्क देती है, क्या वार्तालाप दोनों के बीच में होती है, आइए चर्चा करते हैं। पढ़ते हैं हम चंपा काले अक्षर नहीं चिन्हती है। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, मैं जब पढ़ने लगता हूँ वह आ जाती है, खड़ी खड़ी चुप
प्रकार के छंद का प्रयोग नहीं किया गया। ये इसमें ना कोई तुक है ना कोई छंद है, क्यों? क्योंकि ये मुक्तक छंद है, इन्हें रबड़ छंद या केचुआ छंद भी कहा जाता है। ये जो यहाँ जो छंद का प्रयोग किया गया है वो किसी प्रकार के व्याकरण से संबंधित या काव्य शास्त्र से संबंधित कोई छंद नहीं है, ये मुक्तक छंद है। क्या है? मुक्तक छंद है, इसे रबड़ छंद भी कहा जाता है और इसे केचुआ छंद भी कहा जाता है। ठीक है, मतलब मुक्तक शैली है यहाँ पर, किसी प्रकार की छंद का, किसी प्रकार की व्याकरण। आप वर्णों के अकॉर्डिंग की गणना नहीं कर सकते, आप स्वरों के मात्राओं के अकॉर्डिंग की गणना नहीं कर सकते, ये मुक्तक छंद है। तो आइए पढ़ते हैं। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिनती है, यानी चंपा जो है वो इन काले काले अक्षरों को नहीं जानती है। ठीक है, मैं जब पढ़ने लगता हूँ, अब यहाँ मैं कौन है, यहाँ कवि है, कवि जब पढ़ने लगता है, कह रहा है कि मैं जब भी पढ़ने लगता हूँ तो वो आ जाती है, खड़े खड़े चुपचाप देखा करती है, सुना करती है, उसे बड़ा आश्चर्य होता है। अब आश्चर्य क्यों होता है उसे, कि काले चिन्हों से कैसे ऐसा स्वर निकला करता है, यानी कवि रचना पढ़ता है या कोई भी चीज वो पढ़ता है तो चीज को पढ़ते समय जो चंपा है उसे आश्चर्य होता है कि काले काले अक्षरों से, इन काले काले अक्षरों से ये कैसे स्वर निकलते हैं। जब हम ध्वनियों को लिपि के रूप में संरक्षण करते हैं या जब चिन्हों को लिपि में लिखा जाता है, लिपि के रूप में जब वो आती है हमारे समक्ष, तो वो काले रंग की स्याही से छपी हुई है। जब उसका प्रकाशन होता है तो वो काले रंग से छपी हुई है, ये काले काले अक्षर ही चंपा को क्या लगते हैं, अजीब लगते हैं, आश्चर्यचकित लगते हैं। क्यों लगते हैं? क्योंकि वो जब लेखक उन्हें पढ़ता है तो उनसे ध्वनियां निकलती है, स्वर निकलते हैं। तो जब लिखित भाषा को मौखिक रूप में पढ़ता है तो चंपा को आश्चर्य होता है कि आखिर इन काले काले अक्षर से ये अलग अलग प्रकार के स्वर कैसे निकल रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चंपा सुंदर की लड़की है, सुंदर ग्वाला है, गाय जैसे लगता है। चंपा चौपायों को लेकर चरवाही करने जाती है, चंपा अच्छी है। अब यहाँ पर कवि ने चंपा का परिचय दिया है कि चंपा जो है वो सुंदर नाम का एक व्यक्ति है, उसकी कन्या है। ठीक है, यानी चंपा के पिता का नाम क्या है, सुंदर। सुंदर एक ग्वाला है, गाय जैसे रखता है। सुंदर जो है वो पेशे से ग्वाला है, जाति से ग्वाला है और वो गाय जैसे रखने का कार्य करता है। चंपा चौपायों को लेकर चरवाही करने जाती है, चंपा अपने पिता के कार्य में उनकी हेल्प करती है, सहायता करती है और वो जानवरों को लेकर चराने के लिए जंगल में जाया करती है। चौपाया यानी चार पैरों वाले जानवर, जैसे गाय है, भैंस है, बकरी है, भेड़ है, ये चौपाए जानवर। ठीक है, तो उनको लेकर के चरवाने के लिए, उनको हरी हरी घास खिलाने के लिए जंगल में चराने के लिए जाती है। चंपा अच्छी है, चंपा अच्छी है। अब चंपा के व्यवहार के बारे में यहाँ कभी बात कर रहे हैं कि चंपा अच्छी है, चंचल है, नटखट भी है, कभी कभी उधम भी करती है, कभी कभी वे कलम चुरा देती है, जैसे तैसे उसे ढूंढ कर जब लाता हूँ पाता हूँ, अब कागज गायब है, परेशान फिर हो जाता हूँ। अब चंपा जो है उसकी विशेषता बताइए, उसने बालपन की जो विशेषता होती है, बचपन में हम जो जो शरारतें करते हैं उन शरारतों के बारे में यहाँ कवि ने बताया है। कवि कह रहा है कि चंपा कैसी है, चंचल है, चंपा नटखट भी है, चंपा कभी कभी उधम भी करती है। उधम क्या है, ये ग्रामीण शब्द है, देशक शब्द है। उधम यानी कि शैतानियां करना, नटखट बालपन में जो क्रीड़ाएं होती है, वो क्रीड़ाएं क्या होती है, शरारतें होती है, उधम करती है वो, कभी कभी वे कलम चुरा लेती है। कवि जब लेखन या पढ़न का कार्य कर रहा होता है तो चंपा जब आती है, चंपा आकर के उसकी कलम चुरा करके ले जाती है, कलम चुरा करके वो कहीं छुपा आती है। जैसे तैसे उसे ढूंढ कर जब लाता हूँ कवि, जैसे तैसे उस कलम को जब जंगल से ढूंढ करके लेके आता है, जब वो आता है तो पाता है कि अब कागज ही गायब है। यानी पहले तो कलम ले गई, वो कलम छुपा करके जब वो कवि उसको कलम लेने गया तो उसने आकर के कवि का कागज ही गायब कर दिया। अब परेशान फिर हो जाता हूँ, यानी चंपा की ऐसी आदतों से, ऐसी शरारतीपन से यहाँ कवि जो है वो परेशान हो जाता है, क्योंकि पहले कलम नहीं था, अब जब कलम आई है तो उसके पास कागज नहीं है लिखने के लिए, लिखेगा किस पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चंपा कहती है, तुम कागज ही गोदा करते हो दिन भर, क्या ये काम बहुत अच्छा है? यह सुनकर मैं हंस देता हूँ, फिर चंपा चुप हो जाती है। उस दिन चंपा आई, मैंने कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो। अब यहाँ पर कवि से
चंपा कह रही है, वार्तालाप हो रहा है दोनों के बीच में, संवाद शैली का प्रयोग किया गया है। चंपा कह रही है कि तुम कागज ही खोदा करते हो दिन भर, यानी जब चंपा आती है तो हमेशा वो कवि को लिखते हुए देखती है। तो कवि को जब वो लिखता हुआ देखती है, लिखना करना यानी गोदना, यानी पहले के जमाने में आप देखेंगे हर किसी के हाथों पर कोई ना कोई या नाम लिखा होता है या किसी भगवान का चित्र होता है, कोई ना कोई ऐसा चिन्ह होता है, तो वो गोदने के माध्यम से लिखा जाता था। ठीक है, मशीन आती थी जिसे गोदा जाता था हाथ पे नाम। तो वही कह रही है कि क्या तुम कागज पे हमेशा गोदा ही करते हो दिन भर, गोदना यानी लिखा करते हो दिन भर, क्या ये काम बहुत अच्छा है, क्या ये लिखने का काम बहुत अच्छा होता है? यह सुनकर मैं हंस देता हूँ। उस बालिका के मन की ऐसी बातें सुनकर के कवि हंस देता है। जब वो उससे प्रश्न करती है कि ये लिखने का काम बहुत अच्छा होता है, तो कवि हंस देता है। फिर चंपा चुप हो जाती है, कवि की हंसी देख करके चंपा चुप हो जाती है, कुछ नहीं बोलती है। उस दिन चंपा आई, ऐसे ही उस दिन भी चंपा आई। मैंने कहा चंपा तुम भी पढ़ लो, कवि ने उससे कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो। अब क्यों कहा, देखो हम देखते हैं। चंपा ने ऐसा, चंपा को जब कवि ने कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो, हारे गाढ़े काम सरेगा, गांधी बाबा की इच्छा है सब जन पढ़ना लिखना सीखे। चंपा ने ये कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी, तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं, वे पढ़ने लिखने की बात कैसे कहेंगे, मैं तो नहीं पढ़ूंगी। अब यहाँ पर जब कवि ने कहा कि चंपा पढ़ लो, पढ़ने से हारे गाढ़े काम सरेगा, हारे यानी कठिनाई में, गाढ़े यानी काम सरेगा, यानी हारे गाढ़े यानी कठिनाई में, विपत्ति में, जब मुश्किल के दिन होते हैं उन मुश्किल के दिनों में काम आएगी ये पढ़ाई, ये पढ़ाई व्यर्थ नहीं जाएगी, ये पढ़ाई तुम्हारे मुश्किल के दिनों में, कठिनाइयों के दिनों में, विपत्ति के दिनों में ये पढ़ाई तुम्हारे काम आएगी। गांधी बाबा की इच्छा है, उस समय प्रयोग हुआ जब था 1920 से 1936 का जो समय था, या 1910 से लेकर 1936 का जो समय था प्रगतिवाद और प्रयोगवाद का, उस समय गांधी जी का वर्चस्व बहुत अधिक था हमारे यहाँ। तो गांधी बाबा की इच्छा, गांधी जी को बहुत अच्छा पर्सन बताया है यहाँ पर कवि ने, और बताया है कि गांधी बाबा की, महात्मा गांधी जी की भी यही इच्छा है सब जन पढ़ना लिखना सीखे, कि भारत के जितने भी लोग हैं वो लोग पढ़ना लिखना सीख जाए, साक्षर हो जाए। चंपा ने ये कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी, जब चंपा ने ऐसे तर्क सुने कवि के, तो उसने कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी, मेरी कोई रुचि नहीं है पढ़ने के अंदर, तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं, कि तुम तो ये कहते थे कि गांधी बाबा बहुत अच्छे हैं, आखिर वो पढ़ने की बात लिखने की बात कैसे कर सकते हैं, क्योंकि चंपा पढ़ना लिखना व्यर्थ मानती है, उसे कोई रुचि नहीं है पढ़ने में, और वो इसीलिए ये कहती है कि गांधी बाबा तो बहुत अच्छे इंसान है, वो पढ़ने लिखने की बात आखिर कर कैसे सकते हैं। तो यहाँ पर उसने कवि के तर्क का खंडन कर दिया कि गांधी जी ने कहा है कि पढ़ना लिखना बहुत अच्छा होता है, और यहाँ पर बालिका चंपा ने उन तर्कों का खंडन कैसे किया कि गांधी बाबा तो बहुत अच्छे इंसान है, आखिर वो पढ़ने लिखने के लिए बोल कैसे सकते हैं, मैं तो नहीं पढ़ूंगी, यहाँ दो बार आया है मैं तो नहीं पढ़ूंगी, मैं तो नहीं पढ़ूंगी, यहाँ वो तर्क दे रही है दोबारा, जोर दे रही है इस बात के ऊपर कि तुम कुछ भी कर लो मैं नहीं पढ़ूंगी, मैं नहीं पढ़ूंगी। आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा चंपा पढ़ लेना अच्छा है, ब्याह तुम्हारा होगा, तुम गौरे जाओगी, कुछ दिन बालक संग साथ रह चला जाएगा जब कलकत्ता, बड़ी दूर है वह कलकत्ता, कैसे उसे संदेशा दोगी, कैसे उसके पत्र पढ़ोगी, चंपा पढ़ लेना अच्छा है। अब यहाँ पर भी कवि ने दो बार कहा है चंपा पढ़ लेना अच्छा है, चंपा पढ़ लेना अच्छा है। जब किसी बात को दोहराते हैं या तीसरी बार या चौथी बार कहते हैं तो उसका बात का प्रभाव जो होता है ज्यादा पड़ता है। जब हम एक ही बात को बार बार किसी व्यक्ति को करने के लिए बोलते हैं तो वो ये सोचे ना कि आखिर ये इंसान हमें करने के लिए कुछ करने के लिए कह रहा है, एक बार कहता तो कोई बात नहीं, दो बार कह दिया कोई बात नहीं, ये तीन तीन चार चार बार हमें उस कार्य को करने के लिए कह रहा है, तो यानी कुछ ना कुछ उसमें जरूर बात है। तो इसलिए यहाँ पर कवि ने अपनी बात को दोहराया है दो बार, कि पहली बात का उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो दोहराने पर तो उसकी बात का थोड़ा बहुत क्लेश पाता तो प्रभाव पड़ेगा ही। तो अब यहाँ पर चंपा की, जब मना कर दिया चंपा ने, तो उस चंपा को दोबारा मनाने की कोशिश कर रहे हो, दोबारा उसे ये कह रहे हैं कि चंपा तुम पढ़ लेना, पढ़ना अच्छा होगा तुम्हारे लिए। अब क्यों अच्छा होगा, यहाँ कवि ने क्या तर्क दिया है कि ब्याह तुम्हारा होगा, कि जब तुम्हारा विवाह होगा ना, जब तुम्हारी शादी होगी, जब तुम गौना होके जाओगी, यानी शादी के बाद में गौना होता है, यानी लड़की जब जाती है ससुराल गौना होता है, कुछ दिन बालक संग साथ रह चला जाएगा, तुम्हारा जो पति है वो कुछ दिन ही तुम्हारे साथ रहेगा और फिर वो चला जाएगा, कहाँ कलकत्ता, वो कलकत्ता चला जाएगा रोजी रोटी
का केवल एक ही माध्यम होगा। उस समय फोन तो चलते नहीं थे, टेलीविजन चलते थे, तो टेलीविजन के माध्यम से संदेश देना तो बहुत दूर की बात है। जब दूरभाषी नहीं हो पाता था, टेलीग्राम के माध्यम से, पत्रों के माध्यम से वार्तालाप होती थी। तो यहाँ पर कवि इसीलिए कह रहा है कि तुम कैसे संदेशा भेजोगी, कैसे अपने मन की बात अपने पति को बताओगी, तुम कैसे उसे पत्र, जो वो तुम्हें पत्र भेजेगा कैसे पढ़ोगी इसे, क्योंकि तुम्हें तो पढ़ना ही नहीं आता। तो कवि के ने यह तर्क क्या दिया कि तुम्हें पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए? कि तुम्हारी जब शादी होगी, तुम्हारा पति रोजगार की तलाश में, अपने भोजन व्यवस्था की तलाश में, परिवार के पालन पोषण के लिए यहाँ से पलायन करके कलकत्ता चल जाएगा। उस समय जो परिवार होते थे, निम्न वर्गीय परिवार से जो होते थे, उसके जो युवक होते थे, वो रोजगार की तलाश में दूर देश में जाते थे। कलकत्ता उस समय बहुत अच्छा प्रगतिशील देश, प्रगतिशील राज्य था। तो जो लोग थे वो वहीं पर कमाने के लिए जाते थे, रोजी रोटी के लिए जाते थे। तो ऐसे ही यहाँ पर कवि ने यहाँ मैसेज दिया है, कवि ने यह बताया कि उस समय जो पलायन की वृत्ति थी वो ज्यादा थी, तो नवविवाहिता को छोड़ करके लोग कमाने के लिए निकल जाते थे। तो वही यहाँ पर इन्होंने कहा है कि चंपा, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी, कुछ दिन तुम्हारा पति तुम्हारे साथ रहेगा और वो परिवार के पालन पोषण के लिए, भरण पोषण के लिए कमाने कहाँ चला जाएगा? कलकत्ता चला जाएगा। और जब वो कलकत्ता चला जाएगा, तुमसे दूर चला जाएगा, तो उसे संदेश कैसे दोगी? क्योंकि तुम्हें पढ़ना लिखना तो आता ही नहीं है। जब वो लेटर तुम्हें भेजेगा, वो पत्र भेजेगा, तो तुम इसे कैसे पढ़ोगी? कैसे तुम अपनी मनोभावनाओं का, कैसे अपनी भावनाओं का आदान प्रदान करोगे? क्योंकि तुम्हें तो पढ़ना नहीं आता। इसीलिए चंपा पढ़ लो, पढ़ना अच्छा होता है। अब देखो चंपा क्या तर्क देती है। चंपा कहती है, तुम कितने झूठे हो, देखा? हाय राम, तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो। मैं तो ब्याह कभी ना करूंगी, और कहीं जो ब्याह हो गया तो मैं अपने बालम को संग साथ रखूंगी, कलकत्ता में कभी ना जाने दूंगी, कलकत्ता पर बदर गिरे। अब यहाँ पर कवि ने, यहाँ पर कवि ने बालिका चंपा की मनोदशा बताई है। क्या बताया है? चंपा कहती है, जब कवि ने तर्क दिया कि तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारा पति चला जाएगा कलकत्ता, तब संदेश कैसे दोगी? तो चंपा क्या तर्क दे रही है, देखिए कि तुम कितने झूठे हो। कवि को कह रही कि तुम कितने झूठे हो, तुमने इतनी पढ़ाई लिखाई कर ली फिर भी तुम झूठ बोलते हो, अर्थात तुम्हें झूठ बोलना शोभा नहीं देता है। मैं तो ब्याह कभी ना करूंगी, कि मैं तो शादी ही नहीं करूंगी, मैं तो विवाह ही नहीं करूंगी, और अगर शादी हो भी गई तो शादी होने के बाद में मैं अपने बालम को साथ में रखूंगी, यानी मैं मेरे पति को जाने नहीं दूंगी, मैं तो उसी के साथ रहूंगी, कलकत्ता में कभी ना जाने दूंगी, और कलकत्ता भी नहीं जाने दूंगी। कलकत्ते पर बजर गिरे। अब कलकत्ते के ऊपर बजर गिरे यानी उसका नाश हो जाए, उसमें वज्रपात हो जाए। अब वज्र किसका है? इंद्र का हथियार है, इंद्र जी का, भगवान जो इंद्र है हमारे, उनका हथियार है। तो उसके लिए कहा है कि कलकत्ता पर तो बजर गिरे, वज्रपात हो जाए, बिजली गिर जाए, लेकिन मैं मेरे पति को कलकत्ता नहीं जाने दूंगी। अब यहाँ पर कलकत्ते पर बजर गिरे से क्या संबंधित है? उस समय की जो हमारी जनसंख्या थी, भारत के जो लोग थे हमारे, वो भारत के लोग, जैसे आप यूपी बिहार वाला जो एरिया देखते हैं, उस क्षेत्र में गरीबी ज्यादा है, तो वो लोग अपनी रोजी रोटी के लिए, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए पलायन करते थे। और कलकत्ता जो था, वहां पर इंडस्ट्रियल एरिया जो है, उद्योग जो है, वो अच्छे विकसित थे उस समय पे। तो जो जनता है हमारी, यूपी बिहार की जनता, वो जनता कहाँ जाती थी? कलकत्ता जाती थी रोजगार के लिए। और वो अपने परिवार को छोड़ करके, उनके पालन पोषण के लिए जब वहां जाते थे, तो पीछे उनके घर को देखने वाला कोई नहीं होता था। तो ऐसी स्थिति में चंपा ने भी अपने आस पड़ोस में महिलाओं को बातें करते सुना होगा, या उसने अपने आस पास में ऐसी परिस्थिति देखी होगी जिस परिवार के जो लोग हैं वो रोजगार की तलाश में कलकत्ता चले गए। इसलिए उसने कलकत्ता का नाम आते ही कवि से क्या कहा कि कलकत्ता पर बजर गिरे, वज्रपात कलकत्ता पर हो जाए। ठीक है, एक बात और जो आपको बताना चाहती हूँ मैं, काले काले और खड़ी खड़ी, इस
अलंकार है। इसके अलावा अगर आप देखें तो क क क क वर्ण की आवृत्ति होती है, इस क वर्ण की आवृत्ति होने पर यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। आप यहाँ देख रहे हैं कि आपको ये लाइनें, ये पंक्तियां पढ़ते ही समझ में आ रही है। जब हमारे पास कोई रचना होती है और जब वो रचना हमें पढ़ते ही समझ में आ जाती है तो वहां पर प्रसाद गुण होता है। कौन सा गुण होता है? प्रसाद गुण होता है। जब हमें पंक्तियां पढ़ते ही समझ में आ रही है, हमें उसको समझने में किसी प्रकार का जोर हमको नहीं देना पड़ रहा, किसी प्रकार की कठिनाई हमें नहीं हो रही है, तो वहां पर कौन सा गुण होता है? प्रसाद गुण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे यहां पर क्या हुआ है, चंपा चौपायों को चरवाही के लिए चंपा अच्छी। ठीक है, तो चवर्ण 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 की आवृत्ति होती है, कौन सा है? अनुप्रास। कौन सा अलंकार हो गया? अनुप्रास। जब समान वर्णों की आवृत्ति होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। इस कविता में पूरी में प्रसाद गुण है क्योंकि इसमें पूरी कविता को हमें पढ़ते ही समझ में ये आ रही है। यहां पर कवि ने जो बालिका है चंपा उसके स्वभाव की यहाँ पर वर्णन करा, वात्सल्य रस का वर्णन यहाँ हो रहा है। जैसे नटखट होना, चंचल होना, उधम करना, कलम चुरा लेना, कागज चुरा लेना, यानी शैतानियां करना। ये शैतानियां करना बाल मन की विशेषताएं हैं और इसलिए यहाँ पर वात्सल्य रस का यहाँ प्रभाव दिखाई दे रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर चंपा जो है, यहाँ देखिए च च च, फिर यहाँ पर क्या आया, तो यहाँ पर भी कौन सा अलंकार है? यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। यानी काव्य में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत अनुप्रास अलंकार देखने को मिलेगा। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आपको काले काले और खड़ी खड़ी मिल रहा है। हारे गाढ़े काम सरेगा, यानी ये एक मुहावरा है जो कि गांव में या विलेज वाला जो ग्रामीण क्षेत्र होता है, आंचलिक क्षेत्रों में इसको काम में लिया जाता है, लेकिन कठिन समय में विपत्तियों में काम आने वाला। ठीक है, क्या होता है जब हम कोई ना ऐसा कार्य सीख लेते हैं जो हमारे आगे चल के काम आता है तो वो क्या होता है? हारे गाढ़े काम सरना। ठीक है, ये एक मुहावरा या कैसे कहते हैं, ये एक कहावत है। ठीक है, ये था वार्तालाप हो रही है दोनों के बीच में, संवाद शैली के अंतर्गत ये बात हो रही है। तो बच्चों ये थी हमारी आज की कविता चंपा काले अक्षर नहीं चिनती है। कैसी लगी आपको हमारी ये कविता कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए आगे आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।